हाय गाइस, तो वेलकम टू अनदर रिवीजन वीडियो। और आज इस रिवीजन वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मजेदार, प्यारा प्यारा चैप्टर जिसका नाम है ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसको हम सब प्यार से बोलते हैं SEBI LODR। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस चैप्टर इसकी ये 5 नंबर आपके पक्के करके जाएगा एग्जाम में, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन तो इसमें से आना ही आना है। तो इसी बात पे सारे बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, सारे बच्चे लाइक ठोकेंगे एंड लेट्स टारगेट कि इस वीडियो पे हम कम से कम 200 लाइक्स लेके आए। तो आओ शुरू करते हैं ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो सबसे पहली बात, ये चैप्टर किस पे एप्लीकेबल है? मैं कहूंगा लिस्टेड एंटिटी। हर लिस्टेड एंटिटी को इन प्रोविजन से कंप्लाई करके चलना है। तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के नाम की। तो चैप्टर का नाम क्या है? ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैप्टर का नाम है। तो ऑडिट कमिटी की बात कर लेते हैं। ऑडिट कमिटी कैसी हो? तो मैंने कहूंगा हर कमिटी में, ऑलमोस्ट हर कमिटी में यही होता है, मिनिमम थ्री डायरेक्टर्स होने चाहिए। और ऑडिट कमिटी में स्पेशली इन्होंने बोला था कि हमारे जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, कम से कम 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। मैंने कहा वेरी गुड, 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। और अगर हमारे पास सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स है, जिसको हम प्यार से बोलते हैं SR इक्विटी शेयर्स, तो सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स के केस में सारे के सारे मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमिटी शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वेरी वेरी गुड। अब एक बात बताओ, क्या सारे मेंबर्स को फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए? द आंसर इज यस, ऑल मेंबर्स शुड बी फाइनेंशियली लिटरेट। प्लस एक बंदे को, मिनिमम 1% शुड हैव फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्टीज। उसके पास अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक्सपर्टीज होनी चाहिए। वेरी वेरी गुड। और क्या करना है? चेयरपर्सन की बात कर लेते हैं। चेयरपर्सन कैसा हो? मैंने कहा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। और एक बात बताओ, चेयरपर्सन का एजीएम में आना जरूरी है? द आंसर इज यस, चेयरपर्सन मस्ट बी प्रेजेंट एट द एजीएम। किस लिए? शेयर होल्डर्स की क्वेरी सॉल्व करने के लिए। मैंने कहा ये सारी बातें हो गई इसकी कंपोजिशन की। अब एक बात बताओ, ये कमेटी क्या साल में मिलेगी? कितनी बार मिलेगी? तो मैंने कहा साल में 4 बार मिलेगी। ऑडिट कमेटी और बोर्ड दोनों साल में 4 बार मिलते हैं और मैक्सिमम गैप बिटवीन टू मीटिंग्स कैन बी 120 डेज। 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं चलेगा, ठीक है? तो यही बात है, आपने बस ध्यान में रखनी है। और मैं बात करूं इसके कोरम की, तो कोरम क्या है? 2 और 1/3, विच एवर इज हायर, प्लस मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो होने ही चाहिए। अब बात करते हैं पावर्स ऑफ द ऑडिट कमेटी। तो सर ये ऑडिट कमेटी ऐसी है, कभी सोई नहीं रहती, यानी सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी एम्प्लॉय, सिक्योर अटेंडेंस ऑफ आउटसाइडर, किसी भी बाहर वाले को बुला सकती है, एंड जब इसको जरूरत लगती है तो ऑब्टेन कर सकती है लीगल और प्रोफेशनल एडवाइस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई भी इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मैटर है तो उसको इन्वेस्टिगेट करके चल सकती है। अब इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में कम से कम 15-20 पॉइंट्स दे रखे टर्म्स ऑफ रेफरेंस के, तो मैंने कहा उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वालों की बात कर लेते हैं। ये क्या करेगी? अगर किसी होल्डिंग कंपनी ने अपनी सब्सिडरी को कोई भी पैसा दिया है किसी भी नाम से, चाहे वो लोन हो, चाहे वो एडवांस हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, फिर से, अगर होल्डिंग कंपनी ने अपनी सब्सिडरी को कोई भी पैसा दिया, चाहे वो लोन हो, वो एडवांस हो या इन्वेस्टमेंट हो, ये उसकी यूटिलाइजेशन को रिव्यू करेगी। अगर वो अमाउंट कितनी है, मैंने कहा इट इज ग्रेटर देन 100 करोड़ और 10% ऑफ द एसेट साइज ऑफ सब्सिडरी, विच एवर इज लोअर, अगर उससे ज्यादा की अमाउंट है तो इसको ये वो चीज यूटिलाइजेशन चेक करनी पड़ेगी। प्लस जब ये बोर्ड के साथ बैठेगी, यानी मैनेजमेंट जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करता है बोर्ड को फॉर द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड, उससे पहले ऑडिट कमेटी मैनेजमेंट के साथ बैठेगी और बोलेगी ए डायरेक्टर तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, तो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, कैसे बनते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो मैंने कहा डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के साथ अकाउंटिंग पॉलिसीज और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वाले पॉइंट चेक करेगी। अब एक बात बताओ, अकाउंटिंग एस्टीमेट्स में भी तो चेंजेस होते रहते हैं, तो ये सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट्स को भी चेक करेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑडिट रिपोर्ट में इसको दिक्कत कब आएगी? जब मॉडिफाइड ओपिनियन होगा, तो मॉडिफाइड ओपिनियन इन द ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट, इस तरह की ये चीजें चेक करके चलेगी। लास्ट में आईसीआई ने एक नया पॉइंट इसमें ये डाला है। सर नया पॉइंट क्या डाला है? कि जो ऑडिट कमेटी है, इट विल कंसिडर एंड कमेंट ऑन द रैशनल कॉस्ट बेनिफिट एंड इंपैक्ट ऑफ द स्कीम्स अपॉन मर्जर डीमर्जर अमेलगमेशन ऑफ द लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स शेयर होल्डर। बेसिकली अगर ये जो लिस्टेड एंटिटी है, ये कोई अमेलगमेशन कर रही है, मर्जर कर रही है, डीमर्जर कर रही है, तो इसके क्या क्या इंपैक्ट है, इसको भी ये ऑडिट कमेटी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वगैरह को इवेल्युएट करके चलेगी। अब आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट। अगर कोई लिस्टेड कंपनी है या उसकी मटीरियल सब्सिडरी कौन सी, मैं कहूंगा यहाँ पे 10% वाली मटीरियल सब्सिडरी है या कोई लिस्टेड एंटिटी है, उसके केस में क्या होता है? सर उसके केस में उसका ऑडिटर रिजाइन कर जाता है, तो क्या ऑडिटर को रिजिग्नेशन से पहले ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी पड़ेगी, लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट इशू करनी पड़ेगी? तो वो वाले 3 केसेस हैं। मैंने कहा क्या-क्या? अगर क्वार्टर के एंड से 45 डेज के अंदर अंदर रिजाइन करा, तो उस क्वार्टर की रिपोर्ट देनी पड़ेगी। वेरी गुड। और अगर 45 डेज से ज्यादा हो गए, तो पिछले क्वार्टर की तो देनी पड़ेगी, नेक्स्ट क्वार्टर की भी देनी पड़ेगी। अब एक लास्ट पॉइंट ये था कि अगर एक ऑडिटर ने 3 क्वार्टर की रिपोर्ट इशू कर रखी है, तो उसको 4th क्वार्टर की भी देनी पड़ेगी और पूरे साल की भी देनी पड़ेगी। यही तीन बातें इन बॉक्सेस में हमने पढ़ी थी। अब आती है बात, अगर कोई ऑडिटर रिजाइन करके जाता है, तो क्या उसको अपने रीजंस ऑफ रिजिग्नेशन
कंपनी को बताने पड़ते हैं, द आंसर इज यस। और ये बातें कंपनी किसको बताएगी, मैंने कहा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स ऑफ द रिसीट ऑफ रीजंस फ्रॉम द ऑडिटर। ये बात उसको किसको बतानी पड़ेगी, मैंने कहा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को। वेरी वेरी गुड, ये बातें हो गई थी। इसके बाद इन्होंने बोला था कि भाई जो भी ऑडिटर को दिक्कतें हैं वो सबसे पहले ऑडिट कमेटी को बताए, ऑडिट कमेटी जो भी दिक्कतें होंगी उससे सुन लेगी, वो वेट नहीं करेगी अपनी ऑडिट कमेटी की मीटिंग को होने का। प्लस अगर ऑडिटर को लगता है कि उसको मैनेजमेंट से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही तो वो बात भी वो ऑडिट कमेटी को बता सकता है, और फिर ऑडिट कमेटी उस पर डेलीबरेट करेगी। जो भी चीजें डेलीबरेट होंगी ऑडिट कमेटी की, जो भी डिस्कशन होगी ऑडिट कमेटी की, वो ऑडिटर को बता दी जाएगी, प्लस वो मैनेजमेंट को भी बता दी जाएगी। ठीक है सर, इस चीज के रिगार्डिंग जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है वो अपनी एनुअल कंप्लायंस देखे चलेगा। नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्लिगेशन ऑफ द लिस्टेड एंटिटी एंड मटेरियल सब्सिडरी। यानी जब ऑडिटर रिजाइन करके जा रहा है, तो इस केस में लिस्टेड एंटिटी और उसकी मटेरियल सब्सिडरी की क्या ऑब्लिगेशन है। पहली चीज, जिस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन लेनी है स्टेचुटरी ऑडिटर से, वो फॉर्मेट ये देंगे। पूरी कॉपरेशन करेगी लिस्टेड एंटिटी और उसकी मटेरियल सब्सिडरी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी डिस्क्लोजर होगा, जो भी ऑडिट कमेटी के व्यूज होंगे, जो वो मैनेजमेंट और ऑडिटर को बताएगी, ये व्यूज वो स्टॉक एक्सचेंज को भी डिस्क्लोज करके चलेगी। सो दीज आर द ऑब्लिगेशंस बाय लिस्टेड एंटिटी एंड मटेरियल सब्सिडरी। अब आती है पॉइंट, अब आता है आईसीआई का फेवरेट क्वेश्चन, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको मैंडेटरीली ऑडिट कमेटी को अपनी मीटिंग में रिव्यू करके चलना ही चलना है। मतलब इन चीजों को तो ऑडिट कमेटी मैंडेटरीली रिव्यू करेगी करेगी। तो मैंने कहा सबसे पहले आता है मैन से मैंडेटरी, यानी मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन एनालिसिस करेगी और मैनेजमेंट बोलेगा कि यार हमारे इंटरनल कंट्रोल्स में काफी सारी डेफिशिएंसीज है। किसने बताई, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने और इंटरनल ऑडिटर ने। जब बात ये ऑडिट कमेटी को पता चलेगी तो वो किसको बुलाएगी, सर चिया को। चिया मतलब हमारा चीफ इंटरनल ऑडिटर। और चीफ इंटरनल ऑडिटर कहेगा मैंने कुछ नहीं किया, ये आपकी गलती है, आपकी वजह से ये सारे स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन आते हैं, जो एसओडी आते हैं स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन, ये आपकी वजह से आते हैं क्योंकि आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करते हो। तो इस तरीके से हमने ये सारे पॉइंट्स कवर करे थे। अब आती है बात ऑडिटर की। ऑडिटर क्या चेक करेगा, सिंपल सी बात है, ऑडिट कमेटी की मिनट्स बुक चेक कर लेगा, एजेंडा पेपर चेक कर लेगा। फिर इसमें एक अतरंगी पॉइंट आता है सेगमेंट रिपोर्टिंग वाला, वो सेगमेंट वाइज ब्रेकअप चेक कर लेगा। और मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस की रिपोर्ट कहां मिलेगी, मैंने कहा या तो एनुअल रिपोर्ट में मिलेगी या फिर डायरेक्टर की रिपोर्ट में मिलेगी। ये तीनों चीजें वो चेक करके चलेगा। पहली कमेटी हो गई, मैंने कहा दूसरी कमेटी का नाम क्या, सर दूसरी कमेटी का नाम है नॉमिनेशन एंड रिमुनरेशन कमेटी। नॉमिनेशन एंड रिमुनरेशन कमेटी भी बड़े मजेदार कमेटी है। इसका क्या कॉम्पोजिशन है, तो मैंने कहा जैसे ऑडिट कमेटी वैसे ये मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं, प्लस इसका चेयरपर्सन कैसा होगा, मैंने कहा वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। इसमें कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, मैंने कहा ऑडिट कमेटी में कितने थे, 2/3 थे। यहाँ पे हम इसके फ्रैक्शन को कम करके 50% पे ले आएंगे, एटलीस्ट 50% ऑफ द मेंबर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स हैं तो क्या होगा, तो मैं कहूंगा हर कमेटी में यही होगा एक्सेप्ट द ऑडिट कमेटी, दैट अगर सुपीरियर इक्विटी शेयर्स हैं तो 2/3 ऑफ द मेंबर शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मैंने कहा वेरी वेरी गुड। चेयरपर्सन भी हमने बोला एनआरसी का चेयरपर्सन कैसा हो, मैंने कहा ऑडिट कमेटी जैसा हो, यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। अगली बात आती है कोरम की। कोरम कितना होगा, 2/1/3 whichever is higher, जैसा ऑडिट कमेटी में था, बट वहां पे था मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी देयर, बट अब उस 2 को हम 1 पे ले आएंगे। यहां पे ये कह रहा है एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी देयर। ये साल में कितनी बार मिलेगा, तो मैं कहूंगा ऑडिट कमेटी को छोड़ के, ऑडिट कमेटी को छोड़ के सारी कमिटीज ऑलमोस्ट साल में एक ही बार मिलती है, तो ये भी साल में एक ही बार मिलेगा, मीट एटलीस्ट 1 a year। मैंने कहा वेरी गुड। चेयरपर्सन का क्या गेम है, क्या ऑडिट कमेटी की तरह चेयरपर्सन यहां वाला भी एजीएम में प्रेजेंट होगा, द आंसर इज नो, ही मे बी प्रेजेंट एट द एजीएम टू आंसर द शेयर होल्डर क्वेरीज। क्या ये पॉइंट क्लियर है, हाँ सर ये पॉइंट क्लियर है। अब एनआरसी का रोल क्या है, अब एनआरसी का रोल क्या, ये डिटरमाइन करती है क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक पर्सन को कंपनी में आने के लिए। फिर जो पर्सन कंपनी में आ जाता है उसकी कैसे हम इवेल्युएट करेंगे परफॉर्मेंस, उसके रिगार्डिंग ये अपनी पॉलिसीज बनाती है, इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस। फिर उस परफॉर्मेंस के इवेल्युएशन पे उसकी हमको जो अपॉइंटमेंट है उसको कंटिन्यू करना है, एक्सटेंड करना है, रिमूव करना है, ये वाली बातें भी ये बता देती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी रिम्यूनरेशन इसको लगती है ठीक वो रिकमेंड कर देती है फॉर द सीनियर मैनेजमेंट। देन कम्स द नेक्स्ट कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। सर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी की क्या गेम थी ये बताओ, तो मैंने कहा अब हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर खत्म होने वाले हैं, अब हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर खत्म होने वाले हैं, तो यहाँ पे जो चेयरपर्सन होगा, चेयरपर्सन से भी पहले, हाँ चेयरपर्सन ही ले लेते हैं, चलो चेयरपर्सन अभी तक क्या चल रहा था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बट अब जो चेयरपर्सन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा। मिनिमम कितने मेंबर्स होंगे, तो मैं कहूंगा मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होंगे, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स विल बी द मेंबर्स, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होंगे कमेटी में, तो ऑडिट कमेटी में कितने थे, 2/3, नॉमिनेशन रिमुनरेशन कमेटी में कितने थे, 50%। अब हमारे पास परसेंटेज नहीं, अब हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बचा है,
तो इन्होंने कहा ओनली वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी देयर, मिनिमम वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी देयर। बट अगर सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स है तो क्या होगा, जैसा मैंने एनआरसी में बताया था, एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वेरी वेरी गुड। अभी वो बताओ साल में कितनी बार मिलेंगे? अरे सर आपने बोल दिया, हमने सुन लिया, ऑडिट कमेटी साल में 4 बार मिलती है बस, बाकी सारी कमेटीज ऑलमोस्ट साल में 1 बार मिलती है, तो ये भी साल में 1 बार मिलेगी। अब इसका काम क्या है, जो भी सिक्योरिटी होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करना। ग्रीवेंसेस क्या है, हमको डिविडेंड नहीं मिला, हमको एनुअल रिपोर्ट नहीं मिली, हम जब शेयर ट्रांसफर करते तो शेयर ट्रांसफर नहीं हुए, तो ये सारी बातें। अब इसने क्या करना है सर, ये डर रही है कि कई शेयर होल्डर्स अपनी वोटिंग राइट्स को एक्सरसाइज ना कर ले, तो इट विल इंश्योर दैट द शेयर होल्डर्स एक्सरसाइज द वोटिंग राइट। ये उनको इनेबल करेगा टू एक्सरसाइज द वोटिंग राइट एंड अल्टीमेटली सॉल्व करेगा द ग्रीवेंसेस ऑफ द स्टेक होल्डर। सर क्या क्या ग्रीवेंसेस थी, कि उनके शेयर ट्रांसफर टाइम पे नहीं हो रहे थे, तो ये रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट करेगा। दूसरी चीज, उनको टाइमली रिसीट नहीं हो रही थी डिविडेंड, एनुअल रिपोर्ट की, स्टैट्यूटरी नोटिस की, तो ये प्रॉपर मेजर्स लेगा टू इंश्योर दैट द शेयर होल्डर्स रिसीव देयर एनुअल रिपोर्ट्स, नोटिसेस एंड एक चीज और क्या नहीं मिल रही थी, डिविडेंड ऑन टाइम, वो उनको टाइम पे मिल जाए। तो यही बात है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी की हो गई। अब आती है बात रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी इज रेगुलेशन नंबर 21। ये सारी कमिटीज ना लाइन बाय लाइन चलती है। ऑडिट कमेटी कौन सी थी, रेगुलेशन 18। उसके बाद हमने बात करी नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी, रेगुलेशन 19। फिर हमने बात करी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, रेगुलेशन नंबर 20। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, रेगुलेशन नंबर 21। सर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में कितने मेंबर्स हो गए, मैं बोल बोल के थक गया, तुम सुन सुन के नहीं थके। मैं बोल के थक गया, तुम सुन सुन के नहीं थके। मैंने कहा मिनिमम 3 डायरेक्टर शैल बी द मेंबर्स, बट अब यहां पे ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बचे ही नहीं है। पहले ऑडिट कमेटी कितने ले गया, 2/3 ले गया। उसके बाद जो हमारी दूसरी कमेटी कौन सी थी, एनआरसी, एनआरसी कितने ले गई, 50% ले गई। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बचा हुआ एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी ले गई, तो यहां पे हमारे पास ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बचे नहीं है। बट अब आईसीआई ने बोला नहीं, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को भी हम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देंगे। सो दिस इज अ मेजर अमेंडमेंट। अब यहां पे रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को भी एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिलेगा। सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स में क्या होगा, वही जो मैंने आपको बोला था, हर कमेटी में एक्सेप्ट ऑडिट कमेटी अगर सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स है कंपनी में, तो एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। चेयरपर्सन कैसा होगा, ऑडिट कमेटी का कैसा था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नॉमिनेशन रिमुनरेशन कमेटी जैसा ऑडिट कमेटी का, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी का क्या था, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, खत्म हो गए। यहां पे क्या होगा, तो मैंने कहा यहां पे तो सीधा साधा चेयरपर्सन होगा, दैट इज द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये साल में कितनी बार मिलेगी, तो मैंने आपको एक बात बोली थी, आपने ध्यान से सुनी होगी तो सुनना, ऑडिट कमेटी कितनी बार मिलती है, मैंने कहा 4 बार। ऑडिट कमेटी के अलावा जितनी भी कमिटीज हैं जनरली वो साल में 1 बार ही मिलती है। एक एक्सेप्शन है इसकी, वो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है, ये साल में 2 बार मिलेगी, इट इज एन अमेंडमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शैल मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, एंड 2 मीटिंग के बीच का गैप कितना होगा, मैं कहूंगा इट शुड नॉट बी मोर देन 180 डेज। ये गैप जो है बिटवीन 2 मीटिंग्स, ये 180 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बात करते हैं कोरम की। कोरम क्या होगा, 2 और 1/3 विच एवर इज हायर, बट यहां पे हमारा क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एटलीस्ट 1 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए, 2 और 1/3 विच एवर इज हायर, और एटलीस्ट 1 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए। प्लस इसकी एप्लीकेबिलिटी में भी चेंज है, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज एंड हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी। ये सिर्फ टॉप 1000 और हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी में, बाकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके स्केड्यूल 2 वगैरह में लिखी हुई है। नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड। सर कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड के बारे में थोड़ी बातें बताओ। तो इन्होंने बोला देखो सिंपल सी बात है, अगर तुमको माहौल बना के रखना है पूरा का पूरा, तो हमारे बोर्ड में मेल तो होने ही चाहिए, प्लस एक फीमेल भी होनी चाहिए। फिर से बात सुनना, मेल्स तो होने ही चाहिए, फीमेल्स भी होनी चाहिए, तभी तो भाई बढ़िया तरीके से डिस्कशन हो पाएगी, सारे पॉइंट ऑफ व्यू आ पाएंगे। तो इन्होंने कहा एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। फिर इन्होंने बोला यार देखो आज की डेट में ना वुमेन डायरेक्टर से काम नहीं चलेगा, इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर लाओ। तो मैंने कहा किसको लानी है, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज को। टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज को बोला यार एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर हो, तो फिर एकदम सही हो जाएगा सीन। मैंने कहा और बताओ। और आपने बोला कि हमारे बोर्ड में ना शुद्धता होनी चाहिए। मैंने कहा कितनी, 50% शुद्धता होनी चाहिए। तो ये 50% प्योरिटी कैसे आएगी, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से। सो ग्रेटर देन इक्वल टू 50% ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और एक बात बताओ, 75 साल से ऊपर का व्यक्ति क्या आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रख सकते हो? द आंसर इज यस, बट उसके लिए एक कंडीशन है, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि इतने बुजुर्ग इंसान को आपने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्यों रखा है। अब आप बताओ आप कितनी कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हो? तो मैंने कहा था आप 7 कंपनीज का साथ दे सकते हो, यानी 7 कंपनीज में आप डायरेक्टर बन सकते हो। इसी तरह आप 7 कंपनीज के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो। बट याद रखना, अगर आप किसी कंपनी के, अगर आप किसी लिस्टेड एंटिटी के क्या हो, मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर आप उस कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर हो,
तो नॉट मोर देन 3 लिस्टेड एंटिटीज इसके आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इस केस में आप सिर्फ 3 लिस्टेड एंटिटीज के बन पाओगे। अब एक बात बताओ, कंपनी का चेयरपर्सन कैसा होना चाहिए? तो मैं कहूंगा वो भी एकदम प्योर और शुद्ध होना चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, वो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए। प्लस ही शुड हैव नो रिलेशन विद द प्रमोटर, ही शुड हैव नॉट बीन द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। ना तो वो कंपनी का प्रमोटर हो, ना प्रमोटर से रिलेटेड हो, ना तो वो कंपनी का प्रमोटर हो, ना वो उस प्रमोटर से रिलेटेड हो। बट अब अगर मान लो कंपनी का जो चेयरपर्सन है वो प्रमोटर से रिलेटेड है, तो कंपनी को फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। मैंने कहा जनरली कितने होते हैं, वही जो हमारी कंपनी ऑडिट वाली लिमिट है, 1/3। जनरली कंपनी में 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं। बट अगर हमारे चेयरपर्सन में गड़बड़ है, यानी चेयरपर्सन क्या है सर, प्रमोटर है, प्रमोटर से रिलेटेड है या फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में मेरे दोस्त हमको एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना पड़ता है। और एक बात और बताओ, अगर हमारी एंटिटी में सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स है तो कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए बोर्ड में? तो उस केस में हमारे बोर्ड में एटलीस्ट 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। तो यही बात आपने याद रखनी है, 1st April 2022 से ये एक अमेंडमेंट है, इसको आप सारे बच्चे रीड कर लेना। लास्ट पॉइंट, जितनी भी एंटिटीज कंसोलिडेशन में आएंगी, यानी हम तो पेरेंट एंटिटी के ऑडिटर हैं, उसमें जितनी भी एंटिटीज कंसोलिडेशन का पार्ट बनेगी सबका लिमिटेड रिव्यू हम करेंगे एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर्स की रिम्यूनरेशन में हमको कुछ डिस्क्लोजर्स देके चल रहे हैं इन आवर एनुअल रिपोर्ट। मैंने कहा क्या क्या डिस्क्लोजर, तो सबसे पहली बात जो हमने क्लास में सीखी थी वो ये सीखी थी, न से निकम्मा न से नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यानी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को तो कोई पैसा मिलना ही नहीं चाहिए, वो कुछ एग्जीक्यूशन का काम करता ही नहीं। तो जो भी पेक्यूनरी ट्रांजेक्शन होगी जिसमें पैसा इन्वॉल्व है उसको हमको अप्रूवल लेके चलना पड़ेगा, किससे? मैंने कहा शेयर होल्डर से। वेरी गुड। एक बात और बताओ, क्राइटेरिया भी हमको देना पड़ेगा, मतलब पेक्यूनरी ट्रांजेक्शन तो हमको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, प्लस क्राइटेरिया भी बताना पड़ेगा किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम इसको पेमेंट कर रहे हैं, और क्या एडिशनल डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा देखो इसमें ना आपको चार बातें बतानी होती है, क्या क्या उसके रिम्यूनरेशन पैकेज के क्या क्या एलिमेंट्स है, फिक्स्ड पे कितना है, बेसिक सैलरी कितनी है, बोनस कितना है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन कितना है, सारी बातें बताओ। फिर उसमें आप उसको ना बाइफरकेट कर दो, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बाइफरकेट कर दो, ये फिक्स्ड पे है, ये इंसेंटिव बेस्ड पे है, इस तरह से फिक्स्ड पेमेंट और परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव को आप बाइफरकेट कर देना। लास्ट में बता देना आप कितने टाइम तक पेमेंट करने वाले हो, यानी आपका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नोटिस पीरियड, ये वाली बातें बताओगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी आपने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दिए हैं किसको, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, निकम्मे बंदे को, वो स्टॉक ऑप्शन की डिटेल्स भी आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। लास्ट पॉइंट, इसके बाद हमने डिस्कस किया था अप्रूवल ऑफ रिम्यूनरेशन। डायरेक्टर्स की रिम्यूनरेशन के केस में हमको कैसा अप्रूवल लेना है, तो इन्होंने कहा था देखो जो भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को आप फीस और कंपेंसेशन दोगे उसमें आपको शेयर होल्डर का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा, बोर्ड का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। शेयर होल्डर का अप्रूवल कैसे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, बोर्ड का अप्रूवल बोर्ड रेजोल्यूशन। फिर आपको इससे क्या होगा, इस रेजोल्यूशन से हमको ये पता चल जाएगा कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हमको कितनी फीस पे करनी है। एक चीज इसमें और बोली थी कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो पर एनम ईसॉप की लिमिट भी डिसाइड करेंगे कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कितना ईसॉप मिलना चाहिए। एक बात और बोली इन्होंने, अगर कोई ऐसा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जिसकी रिम्यूनरेशन इज ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल रिम्यूनरेशन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो उस केस में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना पड़ेगा, क्योंकि ये बंदा भी बड़ा स्पेशल है। सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का 50% से ज्यादा का शेयर तो ये अकेला बंदा लेके जा रहा है, तो इस केस में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नॉट एंटाइटल टू स्टॉक ऑप्शन, ये बात लॉ में भी हम पढ़ते हैं, यहाँ पे भी सेम बात को रिपीट कर रखा था। फिर हमने बोला कोई सिटिंग फीस नहीं पे होगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अंडर 197 सबसेक्शन 5, नहीं पे तो होगी बट इसके लिए अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ठीक है, सॉरी फॉर द रॉन्ग वर्ड, नो अप्रूवल फॉर द सिटिंग फीस एज पर 197 सबसेक्शन 5। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जो रिम्यूनरेशन जाएगी उसके केस में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो मैंने कहा दो केसेस हैं, अगर कंपनी में एक ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या फिर कंपनी में एक से ज्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अगर आपकी कंपनी में एक ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो अगर आप उसको जो रिम्यूनरेशन पे कर रहे हो इट इज ग्रेटर देन 5 करोड़ और 2.5% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द एंटिटी, विच एवर इज हायर, तो उस केस में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। दूसरा केस क्या था, कंपनी में एक से ज्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर आप जो रिम्यूनरेशन पे कर रहे हो इट इज ग्रेटर देन 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द एंटिटी, तो फिर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट द रिम्यूनरेशन। अब ये रिम्यूनरेशन वाली बातें हम कैसे चेक करेंगे, तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कैसे पता चलेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन कैसे पता चलेगा, मिनट चेक करके। तो आप मिनट चेक कर सकते हो मीटिंग्स के, प्लस
शेयर होल्डर्स का अप्रूवल जो है, शेयर होल्डर्स का जो अप्रूवल है स्पेशल रेजोल्यूशन वाला, वो चेक कर सकते हो जहां स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत है। और आप क्या चेक कर सकते हो, कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट, ये चार चीजें आप चेक कर सकते हो। फिर से बोलो क्या क्या चेक करोगे सर, मिनट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मिनट्स ऑफ द शेयर होल्डर, बोर्ड ने जो रेजोल्यूशन पास करे, स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास हुए वो रेजोल्यूशन हम चेक कर सकते हैं। एंड लास्ट के दो पॉइंट्स क्या थे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चेक कर लो और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे जो बोर्ड की रिपोर्ट है वो चेक कर लो। अब बात करते हैं बोर्ड मीटिंग की, साल में कितनी बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, वही जो कंपनी एक्ट वाली है, चार, दो मीटिंग में मैक्सिमम गैप 120 डेज, सारी बातें तो आपको पता है, क्या देख रहे हो आप ये वीडियो, ठीक है। उसके बाद कोरम कितना, तो मैंने कहा टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज को कोरम रखना है 1/3 और 3, विच एवर इज हायर, प्लस एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो होना चाहिए। फिर से सुनना, टॉप 2000 एंटिटीज को 1/3 और 3, विच एवर इज हायर, और कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। और अगर कोई मीटिंग ऑडियो विजुअल मीन से अटेंड कर रहे तो क्या वो भी कोरम में इंक्लूड होगा, द आंसर इज यस, यही बात हम लॉ में भी पढ़ के आते हैं। अब एक बात बताओ, एक डायरेक्टर कितनी कमिटीज का मेंबर हो सकता है, मैंने कहा 10 कमिटी का। कितनी कमिटी का चेयरपर्सन, मैंने कहा आधा कर दो, 10 का आधा कितना होता है 5, तो मैं 5 कमिटीज का चेयरपर्सन और मैक्सिमम 10 कमिटी का मैं मेंबर बन सकता हूं। ये कौन सी कमिटी की बात हो रही है, ऑडिट कमिटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, वेरी वेरी गुड, क्या शानदार बच्चे हो यार तुम, ऑडिट कमिटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी की बात हो रही है। और एक बात और, ये कौन सी कंपनीज की कमिटी है, सर ये वो कंपनीज है जिनको हम बोलते हैं पब्लिक कंपनीज, लिस्टेड नहीं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की बात हो रही है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं उनकी कमिटीज की हमने यहां पे बात करी। एक बात और बताओ, एक बात और बताओ, क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी मीटिंग करनी चाहिए, मैंने कहा यस, साल में एक बार तो कम से कम मीटिंग करनी चाहिए, जैसे सारी कमिटीज करती हैं, इनको भी मीटिंग करनी चाहिए विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग करेंगे। और अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चला जाता है तो उसकी रिप्लेसमेंट कब आएगी, मैंने कहा नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months विच एवर इज लेटर, सेम लिमिट एज द कंपनी, आपका कंपनी लॉ, जो चीज आप कंपनी लॉ में पढ़ते हो वही की वही बात यहां लिखी हुई है। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइंट आ जाते हैं एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई कंपनी है जिसको हम बोलते हैं आईएफएससी पब्लिक या आईएफएससी प्राइवेट कंपनी, उसकी बोर्ड मीटिंग कब होगी, तो मैं कहूंगा नॉर्मल कंपनी की बोर्ड मीटिंग कितनी होती है, 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बट इसके केस में उसको डबल कर दो, मैंने कहा मतलब 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, प्लस ये साल में मिनिमम 2 मीटिंग करनी पड़ेगी, एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर, ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर, मतलब साल में 2 मीटिंग, हर हाफ में आपको एक मीटिंग करनी पड़ेगी, यानी जनवरी से जून में 1 मीटिंग, जुलाई से लेकर दिसंबर में 2 मीटिंग, वेरी वेरी गुड, बस यही बातें करनी थी और क्या करनी थी। कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर लेते, कोड ऑफ कंडक्ट तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट था, मैंने कहा कोड ऑफ कंडक्ट में क्या याद करना था, कोड ऑफ कंडक्ट किसके लिए होता है, बोर्ड मेंबर्स के लिए और सीनियर मैनेजमेंट के लिए, इस पे डिक्लेरेशन कौन देगा साल भर में, मैंने कहा सीईओ देगा। ये कोड ऑफ कंडक्ट कहां मिलेगा, कंपनी की वेबसाइट पे मिलेगा, कब कंप्लायंस करनी होती है, एनुअल कंप्लायंस करनी होती है। और एक बात और बता दो मेरे दोस्त, मैंने कहा क्या, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर द कंपनीज एक्ट, वो भी इस कोड ऑफ कंडक्ट में इंक्लूडेड होंगी। एज एन ऑडिटर हमने क्या करना है, कंपनी से पूछना है क्या उसका कोड ऑफ कंडक्ट है, वेबसाइट पर जाकर कोड ऑफ कंडक्ट चेक कर लो, और क्या चेक कर सकते हो, बस यही बातें चेक करनी है। और देख लेना कि जो भी बोर्ड मेंबर्स ने, सीनियर मैनेजमेंट ने अपनी कंफर्मेशन दी है, जो भी उन्होंने कंफर्मेशन दी है उसकी आप कॉपी लेके चल सकते हो। अब बात करते हैं विजिल मैकेनिज्म और विसल ब्लोअर पॉलिसी की। विजिल मैकेनिज्म और विसल ब्लोअर पॉलिसी की होती है ताकि इंप्लॉयज जो भी हैं वो अपने जेन्युइन कंसर्न्स को रिपोर्ट कर सके विदाउट एनी फियर, प्लस एडिक्वेट सेफगार्ड शुड बी देयर टू प्रिवेंट विक्टिमाइजेशन, यानी अगर कोई अपनी बातें कह रहा है तो उसके खिलाफ कोई भी कंपनी में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, वेरी गुड। अब बात करते हैं मटेरियल सब्सिडरी की। तो मटेरियल सब्सिडरी तो बड़ा सिंपल सी बात है, जो भी सब्सिडरी जिसकी इनकम या नेटवर्थ इज ग्रेटर देन 10% ऑफ द कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्थ, उसको हम मटेरियल सब्सिडरी बोलते हैं। तो ये तो हो गई जनरल डेफिनेशन ऑफ मटेरियल सब्सिडरी, बट एक स्पेशल डेफिनेशन है जिसमें 10% 20% हो जाता है, मैंने कहा किस केस के लिए, जब हम बोलते हैं कि जो लिस्टेड कंपनी है उसका एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमारी अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी का क्या बनेगा, मैंने कहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा, तो उस केस में हम 10% को 20% की तरह यूज करते हैं। और बताओ मुझे, तो मैंने कहा जो ऑडिट कमिटी होगी लिस्टेड एंटिटी की वो रिव्यू करेगी द इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द सब्सिडरी, मैंने कहा ठीक है, विदाउट एनी रेफरेंस टू मटेरियलिटी, यहां पे आप मटेरियल वर्ड इग्नोर करो, यहां पे आप मटेरियल वर्ड इग्नोर करो, यानी नॉर्मल सब्सिडरी की बात हो रही है। अगली चीज, जो भी बोर्ड मीटिंग के मिनट्स होंगे, जो भी हमारी सब्सिडरी के बोर्ड मीटिंग के मिनट्स होंगे वो रिव्यू करेगा कौन, मैंने कहा वो रिव्यू होंगे हमारी बोर्ड मीटिंग में ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, मैंने कहा बिल्कुल सही।
अब बात बताओ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन की, यानी जो भी हमारी सब्सिडरी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन करेगी। सर सिग्निफिकेंट का क्या मतलब होता है? 10% ऑफ द एसेट्स लाइबिलिटीज रेवेन्यू और एक्सपेंसेस ऑफ द सब्सिडरी, 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू और द एक्सपेंसेस और द एसेट्स और द लाइबिलिटीज ऑफ द सब्सिडरी। अगर इससे ज्यादा के कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन और अरेंजमेंट हो रहे हैं तो इसको मैनेजमेंट ऑफ द अनलिस्टेड सब्सिडरी लिस्टेड एंटिटी के बोर्ड को बताएगी। अब आती है बात मटेरियल सब्सिडरी की। सर मटेरियल सब्सिडरी के साथ क्या केस है? तो मैं कहूंगा मटेरियल सब्सिडरी के आप शेयर नहीं बेच सकते। अगर आप मटेरियल सब्सिडरी के कोई शेयर बेच रहे हो जिससे आपका कंट्रोल लूज हो रहा है, या फिर आपकी शेयर होल्डिंग 50% से नीचे आ रही है या 50% पे आ रही है, तो उस केस में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सर पर इसका हमारे पास एक जुगाड़ है। मैंने कहा क्या जुगाड़ है? अगर हमारा ये जो हम सेल कर रहे हैं, शेयर्स की सेल कर रहे हैं, इट इज अंडर एन अरेंजमेंट विच हैज बीन अप्रूव्ड बाय द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल ने इस अरेंजमेंट को अप्रूव किया, या फिर इट इज अ पार्ट ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान अंडर सेक्शन 31 ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016, तो हमको कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर हम अपनी मटेरियल सब्सिडरी का कोई एसेट डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, लीज कर रहे हैं, विच इज ग्रेटर देन 20% ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द सब्सिडरी, तो भी हमको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। बट ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा कब नहीं पड़ेगी? जैसे मैंने ऊपर वाली कंडीशन बताई थी, सेम टू सेम यही कंडीशन यहां पे दे रखी है। अब एक बात और बताओ, सेक्रेटेरियल ऑडिट और सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट कब देनी है? मैंने कहा 60 days फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये किसको देनी है? लिस्टेड एंटिटी और उसकी मटेरियल सब्सिडरी को। अब यहां पे मटेरियलिटी में कितनी परसेंटेज लोगे? सबने बिल्कुल सही कहा सर, अब हम यहां पे 10% लेके चलेंगे, क्योंकि 20% तो सिर्फ एक ही केस में होती है। मैंने कहा कौन से केस में? जब हम बोलते हैं कि लिस्टेड एंटिटी का एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी का डायरेक्टर बनेगा। वेरी वेरी गुड। बस खत्म होने वाला चैप्टर, बस खत्म होने वाला रिवीजन, 5 मिनट और, तो 30 मिनट्स में पूरा एलओडीआर टाटा बाय बाय कर देंगे। टेंशन मत लो यार। इंफॉर्मेशन टू द शेयर होल्डर। एक बात बताओ, ऑडिट रिपोर्ट कह रहा हूं, ये ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए, एनुअल रिपोर्ट होना चाहिए? आई थिंक ये एनुअल रिपोर्ट होना चाहिए, यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट होना चाहिए। लेट मी चेक एक बार। हाँ जी, एनुअल रिपोर्ट ये है, ये मैंने चेक कर लिया, तो आप भी अपने नोट्स में एनुअल रिपोर्ट कर लो इसको। सो लिस्टेड एंटिटी विल सेंड द एनुअल रिपोर्ट नॉट लेस देन 21 डेज बिफोर द एजीएम टू द शेयर होल्डर। छोटी सी बात है, एमसीक्यू में आप याद रख सकते हो। अब एक बात बताओ, कोई भी डायरेक्टर को अपॉइंट करोगे, रीअपॉइंट करोगे, तो क्या 5 बातें आनी चाहिए? मैंने कहा सबसे पहले तो उसका रिज्यूमे में उसकी क्या होगी? एक्सपर्टीज। मैंने कहा एक्सपर्टीज के साथ उसका बताओ बाकी किस किस एंटिटी में उसने एक्सपीरियंस कर रखा है, यानी आपने बताना नेम ऑफ लिस्टेड एंटिटीज जहां पे उसकी डायरेक्टरशिप है, प्लस वो किन किन कमिटीज का मेंबर है, प्लस आपने ये बात भी बतानी कि आप उसको एक्सपर्टीज की वजह से ला रहे हो या उसकी रिलेशनशिप विद द अदर डायरेक्टर्स। डिस्क्लोज करनी पड़ेगी रिलेशनशिप्स ऑफ द डायरेक्टर्स इंटरेस्ट से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की शेयर होल्डिंग डिस्क्लोज करनी पड़ेगी इन द लिस्टेड एंटिटी, इंक्लूडिंग हिज शेयर होल्डिंग एज अ बेनिफिशियल ओनर। नेक्स्ट कम द नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स की क्या कहानी है? तो मैंने कहा ट्रांसफर और ट्रांसमिशन करने के लिए आप 4 लोगों से ये काम करा सकते हो, अपनी इतनी सारी कमिटीज है, किसी से भी करा लो। सर कमिटी से नहीं हो रहा, तो मैंने कहा किससे कराओगे? सर हम एक कंप्लायंस ऑफिसर रख सकते हैं, हम अपना खुद का जीता जागता कंप्लायंस ऑफिसर रख सकते हैं। कंप्लायंस ऑफिसर ने कहा मैं भी नहीं करूंगा, तो मैंने कहा अंदर वालों से नहीं हो रहा तो बाहर वालों से कर लो। मैंने कहा बाहर वाले मतलब जो रजिस्ट्रार टू एन इशू होता है, जो रजिस्ट्रार टू एन इशू होता है उससे करा लो। सर रजिस्ट्रार टू एन इशू कह रहे हैं मैं कितनों का काम संभालूंगा, तो मैंने कहा उससे मत कराओ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। और ये जो सारी फॉर्मेलिटीज है ऑफ ट्रांसफरिंग द शेयर्स, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, दे शुड बी कंप्लीटेड वंस इन अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मतलब टू वीक्स या 15 दिन, जो भी आप इसको बोल लो, इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज में हम इसको बोलेंगे वंस इन अ फोर्टनाइट, ऑल द फॉर्मेलिटी शुड बी कंप्लीटेड। नेक्स्ट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, हम सबका फेवरेट पॉइंट। सर मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस में क्या होगा? मैं कहूंगा मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस में होगी बात परफॉर्मेंस की, हमारी परफॉर्मेंस कौन सी, मैंने कहा प्रोडक्ट वाइज, सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस, इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस, यानी हमारी परफॉर्मेंस कैसी हुई है सेगमेंट वाइज प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस, हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मैंने कहा परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करेगी? सर इंडस्ट्री पे। इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट्स क्या है? मैंने कहा हम जिस इंडस्ट्री के पार्ट होंगे उसमें क्या क्या होगा? सर उसमें होंगी रिस्क, उसमें होंगी कंसर्न। मैंने कहा रिस्क है तो क्या है? सर कंट्रोल्स है, तो कंट्रोल्स एंड देयर एडिक्वेसी, प्लस हम और बात करेंगे क्या अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स की। फिर से बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स है। मैंने कहा थ्रेट है तो क्या है? रिस्क है, रिस्क एंड कंसर्न, एंड रिस्क है तो कंट्रोल है, इंटरनल कंट्रोल्स एंड देयर एडिक्वेसी। हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस कैसे जज करते हैं? मैंने कहा रेशियोज से, तो हम रेशियोज एनालिसिस कर सकते हैं। जो भी सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं रेशियोज में, यानी चेंजेस ऑफ 25% और मोर ड्यूरिंग द ईयर, तो उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, प्लस हमको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी चेंज आया है इन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द लास्ट ईयर, वो बात भी हमको आगे बता के चलनी पड़ेगी। एंड लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, ये सारा काम कौन करेगा? सर ह्यूमन रिसोर्स करेगा। तो मैंने कहा ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग भी जो भी हमारी डेवलपमेंट्स है वो हमको बतानी पड़ेगी, और ह्यूमन रिसोर्स ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, तो हम वो कैसे पता करेंगे? बाहर देखो, यानी आउटलुक।
इस तरीके से हमने सारे पॉइंट्स कवर करे थे। अब एक बात बताओ, ऑडिटर को मैनेजमेंट एंड डिस्कशन एनालिसिस में डेप्थ में जाके चेकिंग करनी है या ऊपर ऊपर से देखना? सर ऊपर ऊपर से देखना, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इवेंट्स और इन्फॉर्मेशन। ये जो भी मटेरियल इवेंट्स और इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए एंटिटी क्या करेगी, की मैनेजरियल पर्सन को अपॉइंट करेगी। वो अपनी खुद की पॉलिसी बनाएगा कि कौन सा इवेंट मटेरियल है कौन सा नहीं है, ये पॉलिसी कंपनी की वेबसाइट पे होगी। प्लस ये जितने भी डिस्क्लोजर्स हैं कम से कम 5 साल के लिए वहां पे रहेंगे वेबसाइट पे। नाउ इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपका एग्जाम May 22 में है तो ये टॉपिक तो आपके टिप्स पे होना चाहिए, बिकॉज ICAI ने इसको January 21 में भी पूछा, प्लस आपकी जो RTPI है May 22 की उसमें भी ये पूछा है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के डिस्क्लोजर। तो मैंने कहा किसमें जाएंगे, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। क्वार्टरली जो हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट जाती है, विच इज 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, इट इज एन अमेंडमेंट, ध्यान में रख के चलना। प्लस जो हाफ ईयरली वाली रिपोर्ट है वो कब जाती है, मैंने कहा 30 डेज फ्रॉम द स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। प्लस जो भी ट्रांजेक्शन होती है विद द प्रमोटर होल्डिंग 10% और मोर विद इन द एंटिटी, इट हैज टू बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड। इस पे साइन कौन करेगा, मैंने कहा सी और सी यानी कंप्लायंस ऑफिसर और द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी। एंड इसमें और क्या पॉइंट था, ये जो भी हमारी पॉलिसी होगी रिलेटेड पार्टी की, हमारी वेबसाइट पे होगी और एनुअल रिपोर्ट का पार्ट बनेगी। सिंपल सी बात है, खत्म भी हो गई। सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात कर लेते हैं, इसके रिगार्डिंग क्या डिस्क्लोजर देना है। मैंने कहा ड्यूरिंग देयर कितनी कंप्लेंट्स आई, उसमें से कितनी कंप्लेंट्स हमने डिस्पोज ऑफ कर दी और बची भी कितनी कंप्लेंट्स है, यानी कंप्लेंट्स पेंडिंग एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। पर अगर आपने अपनी समझदारी लगाई है, आपने अपना खुद का ही शाणापन लगाया कि आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया, तो रीजन जरूर बता देना कि क्यों आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया और कैसे आप बेटर प्रेजेंटेशन कर पा रहे हो। देन हमने फिर ये छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस करे थे, स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन और कंप्लायंस सर्टिफिकेट। ये दोनों पॉइंट्स एक बार आप अच्छे से रीड कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर द सेबी LODR वीडियो। आई होप आपको अच्छे से इसको रिवाइज करके काफी मजा आया होगा, एंड इसी तरह खुशी खुशी मजेदार तरीके से पढ़ते रहिए। जल्दी आप भी CA बनके अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो शैतान बच्चों अभी वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ इसी तरह चैनल के साथ बने रहो, आपको और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोस मिलती रहेंगी। ऑल द बेस्ट, आई एम श्योर यू विल डू वेल।